नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अगले ग्रंथि के बारे में, जो कि है हमारे पास में हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये जो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये भी हमारे मस्तिष्क भाग में पाई जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के डाई एन सिफेलोन भाग में पाई जाती है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का जो डायनसेफेलोन भाग है उसके अंदर ही पाई जाती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, ये एक्चुअल में मस्तिष्क का ही भाग है जो ग्रंथि की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह मस्तिष्क का ही भाग है जो ग्रंथि की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब ये मस्तिष्क का भाग है तो ये मस्तिष्क में कुछ ना कुछ तो कार्य करता ही होगा। तो इसका कार्य क्या है हाइपोथैलेमस का? ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का जो कार्य है, ठीक है, वो क्या कार्य है? तो ये क्या काम करता है? हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो पहला कार्य तो हो गया कि यह शरीर का ताप नियंत्रित करता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं शरीर का ताप नियंत्रक बिंदु। ठीक है, तो शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है ये हाइपोथैलेमस। दूसरा जो काम होता है, ठीक है, तो यह जो है, ठीक है, भूख, प्यास, क्रोध, ठीक है, क्रोध और सेक्स की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये काम करता है। अब बात करें यहाँ से, तो ये ग्रंथि की तरह जब काम करेगा हाइपोथैलेमस वाले जो भाग है हमारा, ये जब ग्रंथि की तरह कार्य करेगा तो इससे हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। देखिए, पटवार परीक्षा जो 2014 थी, 14-15 वाली जो आई थी, उसका एग्जाम 16 को हुआ था, 2016 में फरवरी के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि मस्तिष्क के कौन से भाग से हार्मोन का स्राव होता है, तो वो था हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है जो हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। और इससे कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? तो इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, पहला वाला जो हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं मोचक हार्मोन। ठीक है, फर्स्ट हार्मोन होता है वो होता है मोचक हार्मोन। ठीक है, तो ये जो मोचक हार्मोन है ये करता क्या है? तो हम यहाँ पर कार्य लिख सकते हैं इसका, कि मोचक हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को बढ़ाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? मोचक हार्मोन। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया पहला मोचक हार्मोन। दूसरा देखिए, हम यहाँ पर दूसरा जो हार्मोन आता है, सेकंड जो हार्मोन आता है उसको हम बोलते हैं रोधक हार्मोन। ठीक है, रोधक हार्मोन। और जो रोधक हार्मोन होता है यह क्या करता है? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को कम करता है। ठीक है,
कि स्राव को कम कर देता है कौन सा हार्मोन, रोधक हार्मोन, और मोचक हार्मोन क्या कर देता है, इसको बढ़ा देता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यह पीयूष ग्रंथि को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, किसके स्राव को कंट्रोल कर रही है, पीयूष ग्रंथि के स्राव को कंट्रोल कर रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, हम इसको कह सकते हैं हेड मास्टर ग्रंथि। ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं, हेड मास्टर। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को हम लोगों ने नाम दिया था मास्टर। ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा था, पीयूष ग्रंथि को, और यहाँ पर हमने नाम दिया है क्या, हेड मास्टर ग्रंथि। ठीक है, तो हेड मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हेडमास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को के स्राव को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक इसके स्राव को बढ़ा देता है तो दूसरा हार्मोन इसके स्राव को घटा देता है। बढ़ाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, मोचक हार्मोन, और पीयूष ग्रंथि के स्राव को घटाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, रोधक हार्मोन। ठीक है, तो सिंपल सा एक टॉपिक था जो किससे रिलेटेड है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, ध्यान रखना, ये पाया कहाँ जाता है, अग्र मस्तिष्क के डायएन्सेफेलॉन भाग में, यहीं इसी भाग के अंदर पाई गई थी कौन सी, पीयूष ग्रंथि, और इसी भाग के अंदर पाई जाएगी हमारी कौन सी, पीनियल काय ग्रंथि। तो नेक्स्ट जो ग्रंथि हम पढ़ेंगे पीनियल काय, वो भी कहाँ पाई जाती है, डायएन्सेफेलॉन वाले भाग में ही पाई जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारी पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि, इसी को हम लोग बोलते हैं जैविक घड़ी, जैविक घड़ी। ठीक है, इसी का एक नाम और है मस्तिष्क का रेत, मस्तिष्क का रेत, ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सैंड ऑफ ब्रेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीनियल काय ग्रंथि को जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी बात की कि यह अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क के कौन से भाग में पाई जाती है, डायएन्सेफेलॉन, अग्र मस्तिष्क के डायएन्सेफेलॉन, सेफेलॉन भाग में पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो है पीनियल काय ग्रंथि, इस ग्रंथि की खासियत क्या है, कि यह ग्रंथि जो है वो धीरे 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 क्या होती जाती है, ठीक है, छोटी होती जाती है और ये बाद में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो यह ग्रंथि ठीक है छोटी होती रहती है और अंत में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में क्या है, यहाँ का है मस्तिष्क का रेत, रेत को जैसे हम हाथ में ले लें और रेत थोड़ा 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 क्या होता रहेगा, हमारे हाथ से निकलता रहेगा और रेत फिर क्या हो जाएगा, गायब। तो इसी प्रकार से ये क्या है, मस्तिष्क का रेत कहा गया है इसको, जैसे रेत थोड़ा थोड़ा होकर के कम होता रहता है, इसी प्रकार से ये भी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी और छोटी होती 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 ये क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कि पीनियल काय ग्रंथि जब थी हमारे पास में तो इससे कौन सा हार्मोन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो इस ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। इससे हार्मोन कौन सा आएगा, मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, जो हमारे दैनिक लय को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके अलावा यह प्रकाश संवेदी हार्मोन है,
यह कैसा हार्मोन है? प्रकाश संवेदी हार्मोन है, ठीक है। क्योंकि मेलेटोसाइट जो होती है वो कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, हमारी त्वचा का रंग निर्धारित करती है। इसी प्रकार से मेलाटोनिन हार्मोन है, ये भी कैसा है? प्रकाश संवेदी हार्मोन है। जब प्रकाश ज़्यादा आता है, ठीक है, तो ये लैंगिक विकास की क्रिया को धीरे करता है, ठीक है। जब प्रकाश नहीं देख पाता, ठीक है, कोई बच्चा, ठीक है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होता, तो उसमें लैंगिक जनन की क्रिया जो है, ठीक है, लैंगिक विकास की क्रिया जल्दी होती है, ठीक है। तो जन्म से अंधे बच्चों में लैंगिक विकास जल्दी होता है, ठीक है, और जो जन्म से सही होते हैं, अंधे नहीं होते, उनमें लैंगिक विकास धीरे होता है, ठीक है। तो ये हमारे विकास की क्रिया जो है उसको भी कंट्रोल करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा था, ध्यान रखना है। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि मस्तिष्क का रेत किसे कहते हैं या जैविक घड़ी किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? हम पीनियल काय को कहते हैं। और इससे हार्मोन कौन सा आता है? तो वो आता है मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रंथि की तरफ, ठीक है। देखिए अब जो है हमारे पास में नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो है थायरॉइड ग्रंथि। इस ग्रंथि को हम बोलते हैं आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या आउटू ग्रंथि, ठीक है। और ये गले में होती है, स्वरयंत्र के पास में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि यह ग्रंथि गले में स्वर यंत्र के पास स्थित रहती है। गले में स्वर यंत्र के पास क्या रहती है? स्थित रहती है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो थायराइड ग्रंथि है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जितनी भी ग्रंथियाँ हैं अंतःस्रावी, उनमें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। और सबसे छोटी होती है कौन सी? पीयूष ग्रंथि। अब यहाँ पर बात करें आगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इस ग्रंथि से निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला हार्मोन हम यहाँ पर लेते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन है वो है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। देखिए ये जो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, ये आगे चलकर दो प्रकार का हो जाता है। इसको कितने भागों में ऐड किया गया है? दो भागों में। थायरोक्सिन हार्मोन आगे चल के कितने भागों में बटेगा? दो भागों में। पहला होता है T4, दूसरा होता है T3। T4 हार्मोन का पूरा नाम होता है, ठीक है, टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन। और T3 होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसमें 65% आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें 65% क्या होता है? आयोडीन होता है। कई बार पूछा गया है कि आयोडीन जो है वो कौन से हार्मोन के अंदर पाया जाता है? तो वो थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है। कितना परसेंट होता है? तो 65% इसमें आयोडीन होता है, ठीक है। तो T3 T4 जो है वो लगभग सेम है, बस इसमें आयोडीन 3 होते हैं, इसमें आयोडीन कितने होते हैं? 4। तो ये दोनों हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन एक्चुअल में हमारे शरीर में करता क्या है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं थायरोक्सिन हार्मोन की, तो यह पहला कार्य जो है इसका, ठीक है, कार्य की बात करें तो इसका मूल जो कार्य है वो है हमारे शरीर, पहला कार्य है इसका, ठीक है, हमारे
शरीर की उपापचयी दर, उपापचयी दर का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है, BMR, ठीक है, इसको हम लिखेंगे BMR, हमारे शरीर की उपापचयी दर BMR, BMR का मतलब होता है बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है, BMR को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है। तो हमारे बॉडी की जो BMR है, बेसिक उपापचयी दर है, ठीक है, जो भी शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं, किसी पदार्थ का निर्माण होना या टूटना, तो उनका बनना या टूटना जो है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन करता है। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है, तो यह हमारे शरीर की वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है कि हमारे शरीर के BMR और शरीर की वृद्धि, ठीक है, BMR को कंट्रोल करता है, शरीर की वृद्धि को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन बढ़ाएगा, तो वो बढ़ाएगा थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल किया गया, ठीक है, मेंढक का जो बच्चा होता है छोटा, टेडपोल, ठीक है, ये एक्चुअल में लार्वा होता है, ठीक है, लार्वा, ये मेंढक का लार्वा है, ठीक है। तो मेंढक का लार्वा टेडपोल के अंदर से यदि थायराइड ग्रंथि को निकाल दें, तो टेडपोल आगे मेंढक में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। और यदि इस टेडपोल को बहुत सारा हम थायरोक्सिन हार्मोन दे दें, तो एक बड़े मेंढक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके शरीर की जो वृद्धि है उसको कंट्रोल किसने किया, थायरोक्सिन हार्मोन ने, ठीक है। तो शरीर की वृद्धि को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य, थर्ड कार्य हम यहाँ पर देंगे, ठीक है, यह है ऊर्जा निर्माण, ठीक है, ऊर्जा निर्माण को बढ़ाता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसको बढ़ाने का काम भी कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं कैलोरीजन हार्मोन, ठीक है, कैलोरीजन हार्मोन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में कि कैलोरीजन हार्मोन जो है वो किसको कहा जाता है, ठीक है। तो कैलोरीजन हार्मोन कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन को, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का ही नाम है कैलोरीजन हार्मोन। क्यों कहते हैं कैलोरीजन हार्मोन, क्योंकि यह ऊर्जा के निर्माण की क्रिया को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये काम हो गए किसके, थायरोक्सिन हार्मोन के। अब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से और थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से कुछ रोग होते हैं, हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ टर्म्स जो हैं। पहले टर्म हम यहाँ पर लेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है कमी होना, थायरॉयडिज्म का मतलब होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से रोग, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, की कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब कौन कौन से रोग यहाँ पर होते हैं, पहला हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट कौन सा रोग है, तो पहला हमारे पास यहाँ पर आता है, ठीक है, क्रिटिनिज्म, पहला रोग है क्रिटिनिज्म, ठीक है। क्रिटिनिज्म रोग जो है इसके अंदर होता क्या है, तो पहली लाइन तो हम लिखेंगे कि यह रोग बच्चों में होता है, होगा कैसे, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, ठीक है, बच्चों में होगा क्रिटिनिज्म रोग। दूसरी बात यह है कि बच्चों की वृद्धि जो है वो नहीं होती, ठीक है, बच्चों
की वृद्धि नहीं होती, नहीं होती है, जिससे वे बोने रह जाते हैं, जिससे वे बोने रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं। तो बच्चों के जब शरीर की वृद्धि नहीं होगी तो वो कैसे हो जाएंगे? बोने। ठीक है, अब बात करें आगे। इस हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्रिटिनिज्म रोग के अंदर, ठीक है, इस रोग में बच्चे जो हैं वो कुरूप होते हैं। ठीक है, जैसे उनका जो होठ है वो मोटे हो जाते हैं। ठीक है, चेहरा जो है वो विचित्र सा हो जाता है, गोल हो जाता है। ठीक है, आंखें बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, जीभ मोटी हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे कुरूप होते हैं। ठीक है, इस रोग में बच्चे कुरूप रहते हैं। ठीक है, कुरूप होते हैं। तो बच्चे जो हैं वो कैसे होंगे? कुरूप। ठीक है, उनकी जो सूरत है वो अच्छी नहीं होगी। कौन से रोग में? क्रिटिनिज्म। दूसरा जो रोग है, दूसरे रोग का नाम है मिक्सीडेमा। ठीक है, मिक्सीडेमा जो रोग है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह रोग वयस्क में होता है। यह रोग, ठीक है, वयस्क में होता है। तो जो वयस्क होते हैं उनके अंदर यह रोग होता है मिक्सीडेमा। ठीक है, किसकी कमी से होगा? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से रोग होगा मिक्सीडेमा। ठीक है, अब इस रोग में होता क्या है? ठीक है, तो इसमें वयस्क की त्वचा ढीली हो जाती है। ठीक है, वयस्क की त्वचा जो होती है वो कैसी रहती है? ढीली हो जाती है और बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, बाल झड़ जाते हैं। इसके सारे बाल क्या होते हैं? सारे बाल झड़ जाएंगे, त्वचा ढीली हो जाएगी, मतलब एकदम वयस्क लगेगा और एकदम बूढ़ा लगेगा। ठीक है, बिल्कुल ही जो बूढ़े होते हैं सेम उनकी तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा रोग हो गया? मिक्सीडेमा। इसके अलावा तीसरा जो रोग है इसमें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गोइटर को बोलते हैं घेंघा। ठीक है, गलगंड भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, घेंघा या गलगंड। ठीक, तो गोइटर, घेंघा या गलगंड जो रोग है उसमें क्या होता है? तो इस रोग में आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, इस रोग में आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, और इसमें गला जो है वो फूल जाता है, गला बड़ा हो जाता है। ठीक है, गले का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, कौन से रोग में? घेंघा रोग में। तो ये तीन रोग हम लोगों ने देखा हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर काउंट किए जाते हैं, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले क्या हैं? रोग हैं। पहला है क्रिटिनिज्म, बच्चों में होता है। दूसरा होता है मिक्सीडेमा, वयस्क में होता है। गोइटर या घेंघा किसी में भी हो सकता है, छोटे बच्चे में भी या बड़े बच्चे में भी। ठीक है, क्योंकि ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन से ही बनता है क्या? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर बात की है तीन की। अब बात कर लेते हैं हाइपो की जगह हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब कि इस हार्मोन के अधिकता से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। अब इसमें देखते हैं हम हाइपर, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है? देखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है इसका मतलब होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन के अधिकता से होने वाले रोग। अब इसमें कौन कौन से रोग आते हैं? पहला आता है, ठीक है, एक्सोप्थेलेमिया। ठीक है, पहला है एक्सोप्थेलेमिया का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है बाहर आना, ऑप्थेलेमिया का मतलब होता है आँखों का। ठीक है, तो इस रोग में आंखें जो होती है वो नेत्र कोटर से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, इस रोग में आंखें नेत्र कोटर से बाहर आ जाती हैं।
नेत्रकोटर से क्या होंगी, आंखें बाहर आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए इसे टॉक्सिक गोइटर भी कहते हैं, ठीक है, टॉक्सिक गोइटर, गोइटर, टॉक्सिक गोइटर भी कहते हैं, भी कहते हैं, ठीक है। टॉक्सिक गोइटर कहेंगे हम किसको, एक्सोप्थैलेमिया को, आंखें बाहर आ जाती है इस रोग के अंदर, ठीक है। एक हमारे पास सामान्य घेंगा था, गोइटर था, दूसरा है हमारे पास में कौन सा, टॉक्सिक गोइटर, किसको कहते हैं, एक्सोप्थैलेमिया को। दूसरा एक रोग है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुव्य रोग, ठीक है, ग्रुव्य रोग। ग्रुव्य रोग में क्या होता है, जो हमारी ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, इसका आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है ग्रुव्य रोग में। तीसरा जो रोग होता है वो होता है प्लूमर रोग, प्लूमर रोग, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि जो हमारे पास में थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, इस ग्रंथि के अंदर अनेक गांठें बन जाती हैं, ठीक है, अनेक गांठें बन जाती हैं, ठीक है। तो इस रोग में होता क्या है, इस रोग के अंदर बहुत सारी गांठें जो हैं इस ग्रंथि के भीतर बन जाती हैं, ठीक है, ठीके? कौन से रोग के अंदर, प्लूमर में। तो तीन रोग हमने यहाँ पर पढ़े, एक्सोप्थैलेमिया, ग्रुव्य और प्लूमर, ठीक है। तो तीन रोग यहाँ पर है हाइपरथायरायडिज्म से, और तीन रोग हमने लोगों ने पढ़े थे हाइपोथायरायडिज्म से, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ रोग हैं जो कि किससे संबंधित है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही पढ़े।